फर्स्ट फरारी की सवारी। फरारी की सवारी एक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म रोजी के बारे में है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। उसके बेटे का सपना था कि वो लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट खेले, इसीलिए रोजी सचिन तेंदुलकर की फरारी चुराने का रिस्क लेता है और प्रॉब्लम में फंस जाता है। सेकेंड, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी एक बायोग्राफिकल फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक रांची के छोटे शहर का लड़का MS धोनी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहता है, पर अपने पिता के कहने पर इंडियन रेलवे में किसी की नौकरी करता है और कुछ दिन बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से क्रिकेट पर फोकस करता है और इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाता है। और इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के बाद वो टीम का कैप्टन बन जाता है और टीम को वर्ल्ड कप जिताता है। काई पोछे फिल्म तीन दोस्तों के बारे में है जो एक साथ क्रिकेट एकेडमी शुरू करते हैं, जिसमें वो बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं। उन तीनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जब शहर में अर्थक्वेक आता है और उनका भारी नुकसान हो जाता है। फोर्थ, इकबाल फिल्म की कहानी इकबाल के बारे में, जो कि एक गूंगा और बहरा लड़का है। उसका सपना देश के लिए क्रिकेट खेलना है, पर उसका सिलेक्शन इंडियन टीम में नहीं हो पाता है। फिर उसे एक रिटायर्ड कोच ट्रेन करते हैं और उसके सपने को पूरा करते हैं। फिफ्थ, लगान फिल्म की कहानी भूगम के बारे में है, जो कि एक किसान है और अंग्रेज़ों से क्रिकेट जीतने का चैलेंज कबूल कर लेता है ताकि 3 साल का लगान माफ़ करा सकें। मगर मज़ेदार बात तो यह है कि गाँव में किसी को भी क्रिकेट खेलना नहीं आता है।